अस्सलामुअलैकुम कुकिंग विद प्रतस्तम के साथ आज मैं बनाऊंगी फूल गोभी। उसके लिए लिया मैंने आधा किलो फूल गोभी और दो प्याज, इसको मैंने इस तरीके से काट दिया है। मैंने लिया कढ़ाई और कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा जीरा। हमारा जीरा लाल हो गया है, इसमें डालते हैं हम गोभी। इसमें डाल देते हैं प्याज, थोड़ा सा हल्दी, हम इसे निकाल लेते हैं। कलर कितने अच्छे आए ना। इसी में हम डालते हैं थोड़ा सा तेल, एक चम्मच सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा, बारीक कटे हुए प्याज, हम इसे ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। प्याज ब्राउन हो गया, इसमें जाते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और गैस कम कर देते हैं। हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी लाल चिल्ली पाउडर, इसमें डालते टमाटर का पेस्ट, मसाला अच्छे से भुनना जब तक ये तेल ना छोड़ दे। हमारा मसाला भुन गया है, अब इसमें सब्जी डाल देते हैं। चार हरी मिर्ची, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसे हम 5 मिनट के छोड़ देते हैं। इसमें हम डालते हैं हम धनिया पत्ता, हमारा ये बंद गोभी हो गया है, सॉरी फूल गोभी, बंद गोभी कह रही हूँ, फूल गोभी हमारा हो गया। अब इसे हम धनिया पत्ता डालते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हमारा बंद गोभी रेडी है, सॉरी फूल गोभी रेडी है, बंद गोभी बार बार क्यों बोल रही हूँ मैं। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।